अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। शामली जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज ने आज आइसोलेशन वार्ड में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे कोरोना है अथवा नहीं इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई थी, लेकिन मानसिक रूप से परेशान होने के चलते उसने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कोरोना के मरीजों या संदिग्धों को किस तरह से रखा जा रहा है कि वह आत्महत्या भी कर लें और किसी को पता भी न चले। इस अकेली मौत ने जिला अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कस्बा कांधला मोहल्ला भानुपुरी निवासी एक शख्स को बीते 30 मार्च को शामली के निर्माणाधीन जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। 31 मार्च को उसका कोरोना टेस्ट लेकर मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि उसे कोरोना है अथवा नहीं, लेकिन इससे पहले ही आज सुबह उसने अस्पताल के पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि आइसोलेशन वार्ड में चिकित्सीय सुविधा के अलावा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होते हैं। एक आशंका यह भी रहती है कि कहीं मरीज यहां से भाग न जाए और अन्य लोगों को संक्रमित न कर दे अथवा निराशा में आकर कोई आत्मघाती कदम न उठा ले। लेकिन इस शख्स ने सरकारी व्यवस्था को आईना दिखाते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना जैसे ही वार्ड से बाहर आई तो चिकित्सकों के अलावा जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल तुरंत ही वहां पहुंच गए। आइए देखते हैं क्या बता रही हैं जिलाधिकारी जसजीत कौर। संज्ञान में आया है अभी सुबह सुबह कि एक व्यक्ति जो एडमिट था क्वारंटीन वार्ड में, उसने सुसाइड कर लिया है। हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं, एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, मेरा कप्तान साहब हैं, इसकी जांच चल रही है। सुसाइड का कारण क्या बना? उसको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई थी। स्वास्थ्य सुविधा उसको मिली थी, 31 तारीख में वो यहाँ एडमिट हुआ था, उसकी देखभाल करी जा रही थी, पर क्योंकि उसको सिम्टम्स थे कुछ हल्के, इसलिए उसका जो है सैंपल भी लिया गया है। सैंपल की जो रिपोर्ट है वो अभी आउटेड है, सैंपल की रिपोर्ट अभी दोपहर तक आ जाएगी। सैंपल जो है 31 तारीख को लिया गया है और मेरठ मेडिकल कॉलेज उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है, अभी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो स्टेटस हमें और ज्यादा। मैडम मृतक का नाम क्या था? मैडम मृतक का नाम जो है करणवीर सिंह है। कहाँ का रहने वाला था? भानुपुरी का रहने वाला है। और बाकी जो है किस कारण से मौत हुई, कैसे हुई, क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी जांच चल रही है। क्या मैम ड्यूटी नहीं थी वार्ड के अंदर? ड्यूटी वार्ड के अंदर होती है, डॉक्टर रहते हैं, स्टाफ नर्स रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, और अगर कोई लेट नाइट अगर कोई दुर्घटना हुई है तो उसकी जाँच कर। मैम कब आइसोलेशन वार्ड में एक मरीज की मौत हो जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल जो है स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होता है, क्या लापरवाही रही, किस तरीके से? ये आइसोलेशन वार्ड नहीं है, क्वारंटीन वार्ड है। यहाँ पे जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें जो रखा जाता है और ड्यूटी यहाँ लगी है, पर वार्ड के बाहर जो है सिक्योरिटी गार्ड, डॉक्टर, स्टाफ नर्स सब। मैम जो लापरवाही किस प्रकार की गई है मैम, आत्महत्या किस प्रकार की गई है, उसकी जांच करी जा रही है। लापरवाही अगर कोई होगी तो कार्रवाई होगी।